गाइस, तो आज है हमारा दूसरा दिन वृंदावन में। तो आज हम सबसे पहले जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? बागे बिहारी। बागे बिहारी लाल। तो हम जा रहे हैं और आपको भी दर्शन करवाएंगे हो सके तो। सुना है कि बहुत वहाँ पे भीड़ रहती है, तो चलो। बुगु देखो कैसा रही है। गाइस यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, तो आप फ़ोन वगैरह गॉगल्स वगैरह मत यूज़ करना, मैं भी शायद ना करूँ। बंदर छीन के ले जाते हैं। यहाँ पे लग रहा है के चलाना बंदर ले जा सकता। पीछे भी बंदर बैठा। आपने लगा दिया बुगुरे? कोई बात नहीं, बिमल ने बोला इनसे लगा देंगे। गाइस हम आए राधा बल्लभ मंदिर, वहाँ तो हम पहुँच नहीं पाए। बाकी बिहारी के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, इसलिए हम अभी यहीं आए हैं। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए थे बाकी बिहारी जी के, अच्छे से तो नहीं हो पाए लेकिन चलो अब हम जा रहे हैं निधिवन की तरफ, वहाँ आपको दिखाएंगे चल के। और बाकी बिहारी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, क्या बताऊँ। तो ये है गाइस निधिवन, आप देख सकते हो। ये पूरा रास्ता इधर इधर पानी आया होगा। हाँ, मेरे पैर भाभी छह चीज। और गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अपनी बांसुरी से के द्वारा ये करा। चलो ये निधि वन। पहुँचे हैं मथुरा, अब हम यहाँ करेंगे दर्शन और आपको भी करवाएंगे। कहीं पे हो रहे हैं दर्शन, कहीं पे नहीं हो पा रहे हैं, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा, पर चलो कोशिश करूँगी। तो ये है गाइस भगवान की, श्री कृष्ण की जन्मभूमि यहाँ। अब हम चलते हैं। देखो गाइस अब हम गोकुल धाम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। ये देखो ना यमुना नदी कितनी अपवित्र हो चुकी है, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ होगी। बहुत ही गंदगी है, सीरियसली बहुत गंदगी है। जल्दी हो, जल्दी जल्दी। सिंह वाले अब हम आए हैं इस वाले मंदिर में,
ये है रमन रेती जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। अब हम यहाँ आए और बहुत थक भी चुके हैं। इधर आओ, इधर इधर। इधर आ जा। अबे यार। और ये यहाँ की रेत है गाइस, ये देखो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खेले थे। और यहाँ पे जरूरी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खेल के जाते हैं, तो हम बनाते हैं कुछ चीज इससे। और मैंने बनाए पैर, ये क्या है, कुटिया? अच्छा, चार महीने। और मैंने ये बुगो, बस हो गया। और ये देखो गाइस, यहाँ पे इन्होंने कुटिया सी बना रखी है, देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन पता नहीं अंदर जाने का है कि नहीं है, मेरे वीडियो में वैसे इतना अच्छा आ नहीं रहा है फ़ोन में, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है वैसे। तो ये पूरा मैदान है जहाँ पे श्री कृष्ण खेलते थे, ये देखो सब खेल रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़रूरी है खेलना, इसलिए मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन बहुत रात हो चुकी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1:30 बजे से, और आज हम आए हैं बालाजी मंदिर जो कि राजस्थान की बॉर्डर पे पड़ता है। और हम सीधे अभी आगरा से ही आए हैं, यहाँ पे आगरा से मतलब 150 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम देख सकते हो आप मेरी हालत कैसे हो रखी है। हम जाते हैं यहाँ से, हमने कार पार्क करी है, फिर मिलते हैं आपको, सीधे दर्शन करवाते हैं अगर मोबाइल अलाउ होगा तो। ठीक है, ये देखो ये कुछ लोग यहाँ पर हैं। चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, जय बालाजी महाराज। चलो है? आ जाओ, चलो। ये मंदिर है दोस्तों, अंदर फोन अलाउ नहीं है, तो आप देखते हैं। बहुत भूख लग गई है, हम कुछ खा लेते हैं। ये देखो इन दोनों बच्चों को, इन दोनों बच्चों को देखो। ये भी है गाइस, एक और मंदिर। प्यारी दुकान है गाइस, ये देखो, जय हनुमान जी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा के पास। और कहाँ जा रही है तुकु? तो हम आए इस रास्ते से, इसके दो रास्ते हैं, उधर साइड से भी है और मतलब स्टार्टिंग में पड़ती है, बस से भी जाते हैं लोग और अपनी कार से भी, जो वीआईपी लोग होते हैं वो अपनी कार से जाते हैं। और हम तो है नहीं वीआईपी लोग, तो हम तो ऐसे ही आ जाते हैं। फिर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी नीचे और थोड़ा सा हम पैदल आए हैं और हम अभी यहाँ हैं। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं अभी बुलंद दरवाजा की साइड गेट पे, दूसरी साइड। चलो मैं इधर साइड चप्पल अपने निकाल दिए, स्लीपर सारे जाते हैं अंदर। तो ये है, ये तो एक्टिंग कर रहा है। वो है बुलंद दरवाजा उस साइड। चलो और गाइज, ये बहुत पुराना कुआं उस टाइम का,
बहुत नीचे है ये, अब तो पानी वानी रहता है नहीं, इसमें गंदगी रहती है। देखो कितने सारे मच्छर हैं, मच्छर हैं भुकू किशु, आ जा, बहुत सारे, आ जाओ माँ। तो ये है गाइस बुलंद दरवाजा, तुम हो बुलंद, ये है गाइस, ये है गाइस बुलंद दरवाजा पूरा, ये इतना। कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं, ये ए गिनना मत नीचे, गिनना मत उधर, ये सीढ़ियां, एक रास्ता इधर से भी है। अच्छा बुगु भागो मत, वाह